संपूर्ण भारत में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु के कृपा मात्र महाराज का त्रुभा महोत्सव गुरुवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में विशाल संकीर्तन हरिनाम यात्रा निकाली गई। संपूर्ण भारत में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र और गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता दैत्य भक्ति माधव गोस्वामी महाराज का तिरुभाव महोत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आज उनके अनुयायियों द्वारा नगर में एक विशाल हरि नाम संकीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी भक्तों ने शामिल होकर हरि नाम संकीर्तन किया। भक्तगण झांझ मजीरों की धुन पर थिरकते हुए चल रहे थे। इस बीच नगर में जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा राधा निवास स्थित गौड़ीय मठ से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करती हुई प्राचीन राधा दामोदर मंदिर पर जाकर संपन्न हुई, जहाँ राधा दामोदर मंदिर में महाराज श्री की पुष्प समाधि प्रतिष्ठा कराई गई। इसके पश्चात राधा निवास स्थित गौड़ीय मठ में संकीर्तन प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के संत महंतों ने शामिल होकर महाराज श्री द्वारा हरि नाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाकर मानव कल्याण को किए गए कार्यों की सराहना कर उन्हें नमन किया। इसी बीच भक्ति विवेक परमार्थी महाराज और भक्ति कुशल पद्मनाथ महाराज ने भी उनके जीवन पर्यंत किए गए कार्यों पर प्रकाश डालकर उन्हें कोट कोट नमन किया। अपने शिष्यों के द्वारा पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। उनके उन शिष्यों में से एक प्रधान शिष्य हुए हैं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमंशला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज। आज उनका तिरुभाव दिन है। तिरुभाव बोलते हैं जब वो इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम में जाते हैं, उसको बोलते हैं तिरुभाव। आज के दिन के उपलक्ष्य में ही उनकी पुष्प समाधि भी श्री राधा दामोदर मंदिर में बनी है, प्रतिष्ठा हुई है उसकी आज। और उनके ही शिष्य उनकी कृपा मूर्ति परमहंस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उनकी भी पुष्प समाधि प्रतिष्ठा हुई है। ये आज का फंक्शन था, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। दो रथों के ऊपर, एक के ऊपर नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी का चित्र, जो कि अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता हैं, और उनके शिष्य परमहंस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का जो चित्र है उसको रथों में लेकर नगर संकीर्तन स्थल लेके गए हैं और वहाँ प्रतिष्ठा करके आए हैं। अभी यहाँ सभा हो रही है जिसमें उनकी तमाम महिमा गाई जाएगी दोनों की। उन्होंने अपने जीवन में क्या अवदान इस समाज को दिया है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। उनकी शिक्षाएँ मैं सिर्फ संक्षेप में बोलता हूँ कि धर्म का जो प्रचार करने वाले हैं उनकी शिक्षा का असर क्यों नहीं होता है। उनका कहना यह है कि हमारे द्वारा दी गई शिक्षा किसी दूसरे के हृदय में उतनी ही गहरी उतरती है, उतनी ही छाप छोड़ सकती है जितना उसमें से हम स्वयं आचरण कर रहे होते हैं। डोंट फॉलो मी, फॉलो माई लेक्चर ओनली, ये राजनीति में चलता है, लेकिन धर्म में हम जो आचरण कर रहे हैं वही हम प्रचार कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी को उन्होंने जगह जगह पहुँचाया कि स्वयं आचरण करके फिर लोगों को शिक्षा देना। जब तक हम स्वयं आचरण नहीं करेंगे तब तक हमारा जो प्रचार है वो कभी संभव नहीं हो सकता। और संक्षेप में गौड़ीय मठ का जो संदेश है श्रील प्रभुपाद जी का, बैक टू गॉड बैक टू होम इज द मैसेज ऑफ गौड़ीय मठ। ये संसार हमारा रहने का वास्तविक स्थान नहीं है, भगवान का धाम हमारा वास्तविक घर है, सभी वहाँ वापस चलो, यही श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का संदेश।